मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अकेले नहीं मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? मुझे कुछ बनना था। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा जो कि 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, और इस बीच आमिर खान जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच खबरें आ रही है कि वो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए कई तिगड़म भी भिड़ा रहे हैं। सामने आ रही खबरों की माने तो आमिर अपनी फिल्म को लेकर काफी सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने फिल्म को हिट कराने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है। रिपोर्ट्स की माने तो इस डील के तहत फिल्म रिलीज के बाद पहले 4 दिनों तक जो फिल्म के टिकट का जो वो प्राइस रहेगा वो काफी हाई रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो RRR और KGF 2 सहित कुछ बॉलीवुड फिल्मों के रिलीज के साथ भी ऐसा ही किया गया। मतलब कि शुरुआती कुछ दिनों के लिए जो फिल्म के टिकट की प्राइस थी वो इंक्रीज कर दी गई थी कुछ परसेंट, और बाकी एक हफ्ते के बाद उसे नॉर्मल कर दिया गया था। और वही ये फंडा आमिर खान भी अपनी फिल्म के लिए आजमा रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका कितना फायदा होता है फिल्म को। दोस्तों, आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा को 11 अगस्त को गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रिलीज के साथ ही फिल्म को लगातार 5 दिन तक फायदा मिलेगा, क्योंकि 12 अगस्त को रक्षाबंधन है और 13-14 को शनिवार रविवार की छुट्टी और सोमवार को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। अब आमिर चाह रहे हैं कि ये 5 दिन उनकी फिल्म को फायदा मिले। कहा जा रहा है कि उन्होंने PVR के साथ मिलकर प्राइम टाइम शो की डील भी की है। रिपोर्ट्स की माने तो मल्टीप्लेक्स ने आमिर की फिल्म के लिए उनकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली है और करीब 8-10 दिनों तक प्राइम स्लॉट देने का फैसला किया है। ये देखना मजेदार होगा कि अक्षय कुमार की फिल्म के साथ रिलीज हो रही आमिर की फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। आपको बता दें कि आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 1994 में आई हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रिमेक है। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था। अब देखना होगा कि फिल्म को इंडिया में क्या रिस्पांस मिलता है, कितने अवार्ड मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में तो फिल्म को बायकॉट करने की मांग चल रही है, वो चाहे आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हो या फिर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन। वेल, आमिर खान करीब 4 साल बाद फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। वो 2018 में सुपर फ्लॉप फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख, कैटरीना कैफ नजर आए। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था यशराज फिल्म्स ने। अब देखना होगा कि इस फिल्म का क्या हाल होता है, क्या इस फिल्म को लोग पसंद करते हैं या फिर सिरे से नकार देते हैं। वेल, दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।